आगामी विधानसभा चुनावों के चलते जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि जिसका अभी तक किसी कारण से वोट नहीं बन पाया हो वह अपने अपने नजदीकी चुनाव मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट बनवा सकते हैं। हर मतदान केंद्र पर मतदाता सूची रखी गई है। उन्होंने यह भी अपील की है कि उस मतदाता सूची में हर व्यक्ति अपना नाम सुनिश्चित करे। अगर उसका नाम नहीं है तो वह अभी भी अपना वोट बनवा सकता है, जिसके बाद वोटर लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जैसे पहले होता था, जिस ईयर में इलेक्शन होता था उस ईयर की जो कट ऑफ डेट होती थी, क्वालिफाइड डेट होती थी, वो 1 जनवरी होती थी। जैसे 1 जनवरी 2022 में कोई 18 साल का हो रहा है, ही विल बी एलिजिबल वोटर उस साल के इलेक्शन के लिए। अगर वो 2 जनवरी को हो रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होता, तो वो नेक्स्ट ईयर जाके होता। तो अभी जो इलेक्शन कमीशन ने जो मॉडिफिकेशन की है, जो इसमें चेंज किया, वो ये है कि जो 1 अप्रैल को होगा 18 साल का, वो भी एलिजिबल है। 1 जनवरी वाला तो है ही, 1 जुलाई वाला भी होगा और 1 अक्टूबर वाला भी होगा। तो मीनिंग देर बाय कि जो बच्चे 1 अक्टूबर 2004 से पहले पैदा हुए हैं वो सारे एलिजिबल वोटर्स हैं, वो अपना वोट बना सकते हैं। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें टाइम लाइन्स हैं, जिन्होंने भी वोट नए बनाने हैं उनको 11 सितंबर तक अपना फॉर्म भर के देना है। और एक नई एडिशन जो है कि वो फॉर्म भर के देने की जरूरत नहीं है, वो वोटर हेल्पलाइन पे भी वोटर जो है खुद अपने आप को फॉर्म 6 को भर सकता है। दूसरा, हमने कुछ पोलिंग स्टेशन में डायरेक्शन भी हैं कमीशन की कि आपने विजिट करना है, और इसमें RO को विजिट करना है जो SDMs होते हैं, ARO को विजिट करना है जो हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं, DO को भी इंस्ट्रक्शन है एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, मेरे को भी विजिट करना है। तो मैं लगभग कोई 25-26 पोलिंग स्टेशन पे मैं भी विजिट कर चुका हूँ अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, और मैं और भी कर रहा हूँ। और ADC साहब को भी मैंने ऑथोराइज़ किया और सभी SDM साहिबान को भी कहा कि आप भी दोबारा विजिट करिए। जो पोलिंग स्टेशन के विजिट का पर्पस 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि वहाँ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए, AMF जिसको बोलते हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का मतलब हुआ कि जहाँ पे पोलिंग हो रही है, वैसे तो हमारे यहाँ सब जगह है ही, उसमें वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए कि कल को वोटिंग लेट हो जाती है तो लाइट है। दूसरा, वहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पे रैंप होना चाहिए कि कोई भी जो PWD वोटर आता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो वो उसको जो कन्वीनियंस हो कि वो ऐसा ना उसको सीढ़ी लचर पाए तो वो ना जा पाए। कई जगह हमने देखा है कि कई जगह अभी रैंप्स वगैरह बने हैं, जहाँ जहाँ मैं विजिट किया कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो हम कर रहे हैं। दूसरा, जो एक अमेंडमेंट की मैंने आपसे बात करी, पहले ये होता था कि जो आधार कार्ड था, आधार कार्ड की लिंकेज इससे नहीं थी। अभी अमेंडमेंट ये हुई है कि कोई भी वोटर जो है वो आधार कार्ड को लिंक कर सकता है अपने इलेक्ट्रोल रोल से, जहाँ उसका नाम है। उसके लिए एक फॉर्म 6 भी है, और फॉर्म 6 भी भर के जो पुराना वोटर है, जैसे मैं हूँ, मैंने फॉर्म 6 भी भरा, मेरा लिंक हो गया। ये हैं, इन्होंने फॉर्म 6 भरा, इनका लिंक हो गया, इनके इलेक्ट्रोल रोल में जा इनका नाम है। लेकिन जो नया वोटर है वो फॉर्म 6 भरेगा, उसी में प्रोविजन है इसका आधार कार्ड की उसका एंट्री का। लेकिन इसमें इशू है कि ये कोई फोर्सफुली नहीं है, इट इज़ प्योरली वॉलेंट्री। मेरी मर्जी है मैं आधार कार्ड अपना दूँ, मेरी मर्जी नहीं मैं नहीं दूँ। लेकिन अगर मैं आधार कार्ड नहीं देना चाहता हूँ सिक्रेसी के उसके कारण, तो उसके साथ 11 डॉक्यूमेंट और भी हैं, वो भी दे सकते हैं फॉर्म 6 में। तो लगभग हमारे पास आज की डेट में 3,21,000 वोटर हैं पूरे बिलासपुर में। बाकी अपडेशन हो रही है, जो जो नए एड होंगे, 3,21,317, और इसमें से लगभग 1,85,000 लोगों ने अपना फॉर्म 6 भी भर दिया है, मे बी इन टर्म्स ऑफ आधार और किसी ने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दिया है, तो हमारा काफ़ी अच्छा वो है। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि 11 सितंबर तक, जब तक हमारा रिवीजन ये चल रहा है स्पेशल समर रिवीजन, ये 16 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 11 सितंबर को ख़त्म होगा, तो तब तक मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपना आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो दूसरा डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म 6 भी का हमको दे देंगे, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को इसमें एनरोल कर पाएँ, जो ये नई डायरेक्शन है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।